on sir, some condition, Siri, some agreement, we became one and you, we shall remain thank one. Thank you, Dr. Keshav, we are enlightened. Also on constitutionalism, Sri Surender Nagar. Sabhapati ji, देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति के पहले अभिभाषण पर की चर्चा में आज मैं उनके समर्थन में यहाँ बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय सभापति जी, आज़ादी के बाद पहली बार देश में खंडित, विभाजनकारी विकास की अवधारणा को समाप्त करने वाली सरकारें यहां रहीं, लेकिन सौभाग्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से इस देश में समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास की राजनीति की नींव रखी। सभापति जी, देश की आजादी से पहले, देश की आजादी के बाद कांग्रेस ने खास तौर पर जो एससी समाज के लोग हैं, हमारे अनुसूचित जाति के समाज के लोग, उनका समर्थन लेने का तो काम किया, लेकिन उनके राजनीतिक नेतृत्व को कभी उभरने नहीं दिया। और इससे केवल आम दलित नेता नहीं, इस देश के सबसे बड़े सर्वमान्य दलित नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी कांग्रेस ने नहीं बख्शा। जब पहली बार इस देश की संविधान सभा में बाबा साहब को जाने का मौका मिला, तो कांग्रेस ने उन्हें उस देश की संविधान सभा में नहीं आने दिया। योगेंद्रनाथ मंडल जी के सहयोग से बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे, और दूसरी बार बाबा साहब को जयकर जी, जो हिंदू महासभा के, उन्होंने अपनी सीट खाली की और उनके सहयोग के बाद बाबा साहब संविधान सभा में पहुंचे। और इतना ही नहीं, देश की आजादी के बाद जब 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ, तो उस समय बाबा साहब को हराने के लिए कांग्रेस ने उनके सहयोगी एनएस काजोलकर को बाबा साहब के खिलाफ लड़ाया और बाबा साहब को हराने का काम किया। और इसके बाद 1954 में भंडारा लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ, उस समय उनके खिलाफ नेहरू जी चुनाव प्रचार करने गए और बाबा साहब को हरवाने में सहयोग किया। यह कांग्रेस का असली चेहरा है, दलितों के प्रति उनकी जो सोच है। और इससे भी बढ़कर मैं कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं किया कांग्रेस ने, जिन्होंने एनएस काजोलकर जिन्होंने बाबा साहब को हराने का काम किया, उन्हीं काजोलकर को समाज की सेवा करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। यह कांग्रेस की सोच है दलितों के प्रति। और इसी सोच के खिलाफ बाबा साहब ने 27 अक्टूबर 1951 के चुनाव अभियान के दौरान रामदासपुर जालंधर पंजाब में अपने भाषण में बाबा साहब ने कहा था, मैं कांग्रेस सरकार के साथ 4 साल तक सहयोग करूंगा,
मैं अपनी सारी शक्ति ईमानदारी से मातृभूमि की सेवा में लगा हूं, लेकिन इतने वर्षों के दौरान मैंने खुद को कांग्रेस के संगठन में विलय नहीं होने दिया। हम पहले ही चुनाव से कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, क्योंकि ये वह अनावश्यक रूप से हमारे अधिकारों में हस्तक्षेप कर रही है। और कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू को देख लीजिए, ये बाबा साहब ने कहा है, कांग्रेस के नेता पंडित नेहरू को ही देख लीजिए, जिन्होंने 20 वर्षों के दौरान 2000 भाषण दिए। लगभग 20 वर्षों में 2000 भाषण नेहरू जी ने दिए, लेकिन एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की। ये नेहरू जी के बारे में और कांग्रेस के बारे में बाबा साहब ने कहा। और इससे भी बढ़कर जो आरक्षण की आज बात करते हैं, आरक्षण की दुहाई देते हैं कांग्रेस के लोग, उसके बारे में नेहरू जी के क्या सोच थी? नेहरू जी की पुस्तक है लेटेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर के आरक्षण के क्रम संख्या 24, 25 और 26 में नेहरू जी के ने कहा है कि आई डिसलाइक एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन, मोर पर्टिकुलरली इन सर्विसेज। आई रिएक्ट स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड टू इनएफिशिएंसी एंड सेकेंड रेट स्टैंडर्ड। ये आरक्षण के बारे में कांग्रेस और नेहरू जी की सोच थी। कांग्रेस जो नौकरी आरक्षण से नौकरी प्राप्त करने वाले लोग हैं, उनके बारे में नेहरू जी और कांग्रेस की सोच थी, वो उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे। ये कांग्रेस की सोच थी। और दूसरी तरफ लंबे समय तक कांग्रेस को उन राज्यों में शासन करने का मौका मिला जहां उनका जन्म हुआ, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ली, जहां बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की, जो बाबा साहब के पंच तीर्थ हैं। अगर उनकी हालत 2014 से पहले की हालत आप देखें, तो 2014 से पहले जो बाबा साहब के पंच तीर्थ थे, वोट तो कांग्रेस ने लंबे समय अनुसूचित जाति के लोगों का लिया, लेकिन बाबा साहब के पंच तीर्थों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, उनके विकास की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बधाई देना चाहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 2014 के बाद सरकार बनाने के बाद बाबा साहब के जो पंच तीर्थ हैं, जो हमारे आस्था के, जो हमारे दलित समाज, अनुसूचित जनजाति समाज के आस्था के स्थल हैं, उन स्थलों का अगर विकास किसी ने किया आजादी के बाद, तो इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने करने का काम किया। ये फर्क है सोच में, कांग्रेस और भारतीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की सोच में फर्क। ये है फर्क नरेंद्र मोदी जी और आप तो बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के हमारे साथी कांग्रेस के कांग्रेस के हमारे साथी तो उन पंच तीर्थों को कभी जाके उनके दर्शन भी नहीं करे होंगे, क्योंकि केवल आप दिखावा करते हैं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो बाबा साहब के लिए समर्पित है, बाबा साहब के विचारों के लिए समर्पित है, इसीलिए बाबा साहब के पंच तीर्थों का विकास करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम। आजकल कांग्रेस के एक नेता हैं जो कभी अपनी जाति बताते हैं, कभी अब उन्हें गोत्र भी बताते हैं, और कभी वो अपना जनेऊ भी दिखाते हैं, लेकिन वो समय समय पर अपना चेहरा और अपनी बातें बदलते रहते हैं। एक बार वो जनेऊ दिखाते थे, जाति बताई, गोत्र बताया, लेकिन
आजकल उनको ओबीसी याद आ रहा है, लेकिन ओबीसी के प्रति कांग्रेस की सोच क्या है? नेहरू जी ने जिस जनगणना की वो बात आज कर रहे हैं, नेहरू जी के विचार क्या थे उस पर? नेहरू जी ने उसके बारे में कहा क्या था? कभी कम से कम उसको तो पढ़ लेते। नेहरू जी ने कहा था आजादी के बाद, नेहरू जी ने, नेहरू सरकार ने निर्णय लिया था कि ओबीसी की भारतीय सूची की कोई आवश्यकता नहीं है। यह किसी और ने नहीं किया था, यह देश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार और नेहरू जी का निर्णय है, यह किसी और का निर्णय नहीं है। आज आपको ओबीसी याद आ रहे हैं, आज आप ओबीसी की बात कर रहे हैं, और ओबीसी की बात में भी ओबीसी की बात भी करना चाहते। तीन आयोग बने आजादी के बाद, तीन आयोग किसने बनाए? आपको किसने रोका था उन तीनों आयोगों की रिपोर्ट लागू करने से? क्या विचार थे आपके? पहले आयोग की रिपोर्ट क्यों नहीं लागू की आपने? कालेकर कमेटी की रिपोर्ट आपने क्यों लागू नहीं की? और जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होनी हुई तो राजीव गांधी जी ने उसका विरोध किया था, या किसी और ने विरोध नहीं किया था? राजीव गांधी ने इसका विरोध किया था। आज आप ओबीसी की बात करते हैं, जिस ओबीसी के आरक्षण लागू करने की बात, और तीनों रिपोर्टों को जो आपके शासन में आई थी, जो आपके समय की थी, आपको लागू करने से किसने रोका था? हां, आपको एक परेशानी है कि इस देश के बैकवर्ड समाज का सौभाग्य है कि देश की आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी के रूप में इस देश को पहला प्रथम बैकवर्ड प्रधानमंत्री मिला। यह आपको बर्दाश्त नहीं, इसे आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, यह आपकी परेशानी है। इस परेशानी को हम समझ सकते हैं, लेकिन इस देश का पिछड़ा, इस देश का अनुसूचित जाति का लोग, इस देश का अगड़े समाज का जो सबसे नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति है, वो समझ चुका है कि उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। माननीय सभापति जी, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, राजनीतिक नेतृत्व की बात करूं, प्रधानमंत्री जी के रूप में नरेंद्र मोदी जी हमें मिले, और अगर राजनीतिक भागीदारी की मैं बात करूं, राजनीतिक भागीदारी में अगर आप उठा लीजिए, आज सबसे ज्यादा ओबीसी के लोकसभा के सदस्य किस पार्टी के हैं? बीजेपी के। अगर आज देश में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय के विधायक हैं तो बीजेपी के हैं। अगर विधान परिषद के सबसे ज्यादा ओबीसी के सदस्य हैं तो बीजेपी के हैं। आज सबसे ज्यादा इस देश की आजादी के बाद मंत्री अगर बने ओबीसी के, तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में बने। सबसे ज्यादा राजनीतिक हिस्सेदारी, जिसकी लड़ाई, जो बाबा साहब ने जिसके लिए संघर्ष किया, जो बाबा साहब को आपने हरवाने का काम किया, राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक नेतृत्व तो आपने नहीं उभरने दिया, वो राजनीतिक हिस्सेदारी देने का काम ओबीसी के लोगों को नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, भारतीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम करने का। आपने क्या किया? नौकरी की तरफ ओबीसी एससी को नौकरी मिल जाए, आरक्षण की आप बात करते थे, जिसमें आपकी नियत नहीं थी, नेहरू जी की भी नियत नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की को बधाई देना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने समाज के उस वर्ग को जो ओबीसी का सबसे पिछड़ा वर्ग है, जिसे हम विश्वकर्मा समाज कहते हैं, जो नाई, जो हमारा धोबी है, जो लोहार बढ़ई है, उस समाज, कुम्हार जो अपने हाथ से काम करता था, जिनके पास स्किल होता था, वो धीरे धीरे इस नौकरी के चक्कर में वो स्किल उनका खत्म हो गया। इस देश के प्रधानमंत्री ने समाज के उस वर्ग की चिंता करने का काम किया, और विश्वकर्मा जैसी महत्वपूर्ण योजना उनके लिए लेकर आए, जिसमें उनको स्किल तो किया ही जाएगा, उनको साथ साथ उनको अपना व्यापार करने के लिए भी उनको संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, उनको धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच। माननीय सभापति जी, किसानों को लेके एक बड़ी योजना, पहले किसानों से पहले मैं आयुष्मान के अपने अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगा। सभापति जी, आप भी किसान पुत्र हैं,
आपने भी गांवों में देखा होगा अपने समय, गांव में अगर अक्सर हमारे बहुत से लोगों का अनुभव हो जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, वहां जाकर जब किसी गरीब परिवार का व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो वो एक काम करता है कि पहले तो ये करता है कि कहीं से पैसे उसको उधार मिल जाए। अगर उसको गांव में कोई उधार भी नहीं देता था तो फिर उसके बाद वो कर्ज लेता था, और जब गंभीर बीमारी हो जाती थी, लाइलाज हो जाता था, वो संभव नहीं हो पाता था, तो वो अपने मरीज को अपने घर लेकर जाता था धन के अभाव, और उसको समय का उसका इंतजार करता था। ये स्थिति हमारे गांव में आम आदमी गरीब आदमी की थी, ये पीड़ा थी इस देश की, इस गरीब की इस पीड़ा को समझने का काम आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और आयुष्मान योजना लाकर इस देश में किसी भी गरीब परिवार के व्यक्ति को अब इलाज के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम आयुष्मान योजना के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जी ने किया है। और सभापति जी, मुझे अब ये विकसित भारत जो हमारी यात्रा थी उसमें जाने का मौका मिला, कुछ लाभार्थियों से मिलने का भी मुझे मौका मिला। मैं एक दो अनुभव करकर अपनी अनुभव बताकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। मैं एक महिला लाभार्थी से मिला। मैं महिला लाभार्थी से पूछा कि क्या तुम्हें लाभ मिला, क्या हुआ? उसने बताया कि मेरे घर में सांसद जी 5 लोगों को डेंगू हुआ था। मैंने कहा हुआ क्या फिर उसके बाद? बोले हम तो इलाज कराने गए और हमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, पांचों का इलाज फ्री हुआ। तो मैंने कहा इससे पहले क्या होता? बोले सांसद जी हम नहीं इतना अच्छा इलाज करा पाते अगर आयुष्मान कार्ड हमारे पास नहीं होता। और उन्होंने मंच से खड़े होकर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करने का काम किया। मैं बहुत ज्यादा समय लेते हुए अंत में एक बात कहकर, दूर लोगों को पास करते हैं, काम हर एक खास करते हैं, मोदी नाम है उस इंसान का, साथ सबका विकास करते हैं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister, to reply the discussion.